हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ टेक की बातें यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मैं अपने डेटाबेस से डेटा को कैसे सिलेक्ट करूँगा और उस डेटाबेस को अपने एक टेबल में कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद हम उस डेटाबेस को अपने टेबल में लेके आ पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम अपने डेटाबेस में किसी भी रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट कराते हैं बाई यूजिंग HTML फॉर्म के, तो आज मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो में आपको एक टेबल बना के दिखाऊंगा। उस टेबल में डेटाबेस से टेबल कैसे लाएंगे वो देखेंगे। तो चलता हूँ मैं अपने कोड एडिटर पर। तो मैं कोड एडिटर पर आता हूँ। यहाँ मैंने देखो इंसर्ट किया था डेटा, और वो भी इस फॉर्म से। तो मैं दिखा दूँ, फॉर्म मेरा ये था, तो इस फॉर्म से मैंने डेटा इंसर्ट किया था। मैं एक बार फिर से करके दिखा दूँ। लाइक मैंने बोला कि डी के वेब टेक ईमेल dkwebtech@gmail.com, मोबाइल नंबर लाइक में डाल दिया, कुछ भी रैंडमली डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ आके मैंने सबमिट डेटा किया। तो जैसे मैंने सबमिट किया तो कोई अलर्ट बॉक्स आ गया इंसर्टेड सक्सेसफुली। और यहाँ आके आप एक बार चेक करोगे तो dkwebtech नाम के डेटाबेस में आ चुका होगा। ठीक है, तो उसी टाइप से हम यहाँ बनाएंगे आज एक टेबल को। उस टेबल का डेटा कैसे शो करेंगे वो जानेंगे। ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा एप्लीकेशन लोड हो रहा है, देखेंगे dkwebtech आ चुका है ना डेटाबेस में मेरे, तो क्लियर ना। तो इसी डेटा को हम सारा कैसे हम अपने यहाँ एक टेबल बना के लाएंगे डेटा को वो जानेंगे आज। तो चलता हूँ मैं अपने कोड एडिटर पर, और यहाँ आके सेक्शन के बाद एक सेक्शन और बना देते हैं, और सेक्शन को क्लास हम दे देते हैं कंटेनर फ्लूड। ठीक है, देन इसको बोल देते हैं, एक और क्लास दे देते हैं सिलेक्ट डेटा वाले। ठीक है, यहाँ आके हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक डिव लेंगे, और उस डिव के अंदर एक क्लास दे देंगे कंटेनर। ठीक है, देन उसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक टेबल लेंगे। ठीक है, इस टेबल को मैंने क्लास दे दी टेबल। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे एक टी हेड लेंगे। ठीक है, और इस टी हेड के अंदर एक टी आर लेंगे, और इस टी आर के अंदर हम क्या करेंगे एक टी डी लेंगे। इसके अंदर हम सीरियल नंबर कर देंगे, कॉपी किया पेस्ट किया। यहाँ इसके अंदर यहाँ के नेम डाल देंगे, और यहाँ आके हम इसके अंदर ईमेल डाल देंगे, और इसके अंदर आके हम यहाँ के मोबाइल डाल देंगे, और यहाँ आके हम एक टी डी और बनाएंगे, इसके अंदर हम एक्शन डाल देंगे। ठीक है, क्या डाल देंगे एक्शन, और इस सेव किया। और यहाँ के इस टेबल को थोड़ा सा हम देख रहे हैं तो मेरे पास कुछ इस टाइप से टेबल आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस टेबल को थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। तो यहाँ आके हम इसको टेबल बॉर्डर्ड कर देते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखो टेबल आ गई। ठीक है, तो यहाँ आके हम क्या करते हैं कि यहाँ आके एक H1 ले लेते हैं। ठीक है, या H2 ले लेते हैं, और यहाँ आके ठीक है योर डेटा लिख देते हैं। सेव किया, तो डेटा आ गया। यहाँ कैसे क्लास देते हैं टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ के इसको भी थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं, इसको एक क्लास दे देते हैं टेबल डार्क। डार्क किया, अब देखेंगे कुछ स्टेप से हमारी टेबल आ गई। और यहाँ के जो टी डी लिया है हमने, इसको हम टी एच कर देंगे। क्या कर देंगे टी एच। तो टी एच से क्या होता है कि जो बाय डिफॉल्ट डेटा होता है वो सेंटर में आता है। सेव किया एंड रिफ्रेश किया, तो सेंटर में तो नहीं आया, तो मैं इसके अंदर एक क्लास और दे दूंगा टेक्स्ट सेंटर। सेव एंड रिफ्रेश, ये देखो सेंटर में आ गया। क्लियर ना, अब ये टेबल
टी ऐड हो गया, इसके अंदर हम टी बॉडी बना देते हैं, और टी बॉडी को बनाने के बाद यहाँ के हम इसको क्लास टेक्स्ट सेंटर दे देते हैं, और यहाँ के मैं क्या करूँगा कि टी आर बना देंगे, ठीक है। इस टी आर के अंदर मैं क्या करूँगा, टी डी, उसमें लाइक हमने लिख दिया राज कुमार, कोई डेटा डाल दिया, अभी मैंने रेंडमली ऐसे स्टेटिक डेटा डाल रहा हूँ। अब यहाँ पहला है सीरियल नंबर, मैं सीरियल नंबर 1 कर दिया, नेम राजकुमार हो गया, और यहाँ के राजकुमार 56 राजकुमार एट दी रेट gmail.com, ठीक है। मोबाइल नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं, 1 2 3, और कॉपी किया पेस्ट किया। यहाँ आके दो बटन बनाएंगे हम, एक एंकर टेक एच आर एफ, इसके अंदर हम हैश के साथ पास कर देंगे वैल्यू को, और यहाँ के हम क्या करेंगे, यहाँ के हम बोलेंगे ये डेटा को डिलीट करेगा, ठीक है। तो इसको क्लास दे देंगे हम btn डेंजर, danger, सेव एंड रिफ्रेश, ठीक है। danger सेव एंड रिफ्रेश, आगे एक और बटन बना देंगे, इसको हम प्राइमरी कर देंगे, क्या कर देंगे प्राइमरी, और इसको लिख देंगे एडिट, सेव एंड रिफ्रेश, दिख रहे हो यहाँ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस टीडी को ख़त्म कर देंगे, इस टीडी को ख़त्म कर देंगे, तो एक ही टीडी के अंदर ये दोनों चीज़ें आ गई, पर अच्छा नहीं लग रहा ना, तो टीडी को बना रहने देते हैं। और यहाँ आके हम क्या करेंगे, इस टी एच को आके यहाँ आपने कॉल स्पेन पढ़ा होगा, कॉल स्पेन 2 के बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। एक एडिट डिलीट हो गया, क्लियर ना। तो इस टाइप से हमारा हो जाएगा। तो अब इस टाइप से और भी डेटा डाल सकते हैं, तो हम डेटा और ना डाल के इस डेटा पे है, तो लाइक मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ के कॉपी किया और डेटा डाल के दिखा दें, दूसरा दे दिया, यहाँ 2 कर दिया, सेव किया, तो चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो ये दूसरा डेटा आ गया, ठीक है ना। अब हम चाह क्या रहे हैं वो समझो, मैं चाह ये रहा हूँ कि इस इसमें जो डेटा हम डालते हैं वो डेटा सारा यहाँ शो, ठीक है। तो जब वो डेटा यहाँ शो, तो कैसे शो होगा, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही हम रखते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।